हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको यहां पर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी के 10th क्लास के, ठीक है। इवन ऑप्शनल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अभी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट से करते हैं। अभी तक 5th पार्ट तक कर लिया था, और जो 5th पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था, वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, ठीक है। 6th पार्ट देखो क्या है। 6th पार्ट ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट किसी टाइप से हमें हटाना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। इसके LHS से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि LHS की साइड काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है। LHS कितना हुआ, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखो करेंगे क्या दोस्तों, आपको ये पता चलना चाहिए ना, ये अब जैसे ये क्वेश्चन, इससे पहले भी एक दो बार कई क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। इसके अंदर जैसे ये रहा, ये आइडेंटिटीज़ देखी थी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, ये 8.4 स्टार्ट होने से पहले। तो इसके अंदर मैंने बोला था कि जैसे ये है जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, वो चेंज हो कैसे बन जाती है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 प्लस साइन थीटा आता है तो 1 माइनस साइन थीटा आता है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो या देखो यहाँ पर एक प्लस में हो गया तो दूसरा किस में आ रहा है, माइनस में, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ आपके दिमाग में आती रहनी चाहिए। यहाँ पर नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो इसको क्या मिल जाए, 1 प्लस साइन ए। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही ये सारा काम करेंगे, एक रेशनलाइजेशन करते हैं ना उस टाइप का काम करेंगे अंदर। 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले का साइन क्या है, माइनस का, तो हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए आ गया, ठीक है। अब ये करेंगे तो ऊपर तो सेम बन गया, ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और पूरे पर अंडर रूट तो लिखा ही है अभी, वो देखेंगे। नीचे देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बन गया, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, साइन ए। तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बन गया, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे अभी सोल्व करते हैं यहाँ पर। अभी अंडर रूट को चलो लेके चलते हैं एक स्टेप और बस। 1 प्लस साइन ए का यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से आता है ये सारा का सारा, ठीक है। जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है ना, उसमें साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं यही कोस स्क्वायर ए से रिप्लेस करने वाला हूँ, कोस स्क्वायर ए बन गया, ठीक है। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, और होल अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट इन दोनों के स्क्वायर को काट देगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, कोस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको आर एच एस में एक्चुअली दो टर्म्स है, एक ये सेक ए है, दूसरी है टेन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो सेक और टेन बना लेंगे अगर अलग अलग डिवाइड कर दें तो। इधर दो टर्म्स कैसे बनेगी, इसको इसमें डिवाइड कर दो, इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया, 1 अपॉन कोस ए हो गया, प्लस 1 अपॉन कोस ए, दूसरा क्या हो गया, साइन ए अपॉन कोस ए हो गया। 1 अपॉन कोस ए क्या बनेगा, सेक ए प्लस साइन बाई कोस, ये 1 अपॉन कोस थीटा हो गया, सेक थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, टेन ए बन गया, जो कि हमारा किसके बराबर है, आर एच एस के इक्वल हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर यही प्रूव करना चाहते थे, सेक ए प्लस टेन ए आ जाए, तो इस टाइप से हमने किया। अब दोबारा देख लेते हैं क्या किया, अंडर रूट है तो अंडर रूट कैसे हटेगा हमें स्क्वायर वगैरह बनने से। तो हम क्या किया, नीचे वाला नंबर था 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला बन गया होल स्क्वायर, तो वो तो आराम से हट गया। नीचे वाले आइडेंटिटी लग के क्या बन गया, कोस स्क्वायर है, तो फिर वो वैसे हट गया, फिर हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 8.4। इसमें ये रहा, इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा,
नीचे है 2 cos³θ माइनस cos θ इक्वल टू 10θ लाना है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है और नीचे से कोस कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एकदम जो क्लियरली दिखते हैं ना, ये सारी चीज़ें सबसे पहले लगाओ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, ये है sin θ माइनस 2 sin³θ अपॉन 2 cos³θ माइनस cos θ। ये हमें लाना क्या है, 10θ के इक्वल लाना है, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स साइड क्या है LHS से? इसमें लिखा हुआ है sin θ माइनस 2 sin³θ और नीचे कितना हो गया 2 cos³θ माइनस cos θ, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे हम, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन कॉमन ले लेते हैं। जो चीज़ें हो ही जा रही है वो होने दो। इधर क्या बचेगा फिर, पहली जगह पर 1 बचेगा, माइनस 2 sin³θ का क्या बचेगा, 2³ में से एक तो कॉमन ले गए बाहर, तो अंदर स्क्वायर बच जाएगा, sin²θ डिवाइड बाय, नीचे क्या है देखो कोस कॉमन आ रहा है, तो नीचे से cos θ कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया ये, यहाँ पर कितना बच गया 2 cos²θ माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो देखो बाहर की तरफ ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेट्स के बाहर की तरफ अपने आप sin θ / cos θ बन गया। अब sin θ / cos θ क्या होता है, sin θ / cos θ क्या होता है, 10θ, ठीक है। जो 10θ होता है वो क्या होता है, sin θ / cos θ, ये फॉर्मूला है अपने फर्स्ट एक्सरसाइज से आता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बस 10θ। इनके ब्रैकेट्स के अंदर क्या चल रहा है, अब देखो हमें RHS में भी 10θ लाना है, तो 10θ तो आ चुका है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है ना ये पूरा कैंसिल होके 1 बच जाएगा, ठीक है, और अपना ये 10θ ही लास्ट के आंसर के लिए बचेगा। तो अब इनको ना ये कट जाएगा, इसका मतलब अब कटेगा तो कैसे कटेगा, हम क्या करते हैं कि इनको ना चेंज कर देते हैं, या तो ऊपर वाले को जैसे साइन स्क्वायर है तो उसको कोस स्क्वायर, मतलब वो जो पहली वाली आइडेंटिटी उससे चेंज कर दो, या फिर नीचे वाले कोस स्क्वायर को चेंज कर दो। हम नीचे वाले कोस स्क्वायर को चेंज करते हैं, चलो ऊपर वाले को फिर चेंज मत करना, नहीं तो एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे ये, 1 - 2 sin²θ 2, इसकी जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ यहाँ पर, इधर कितना है -1। अब पता है क्या आइडेंटिटी लगाने वाले हम, cos²θ = 1 - sin²θ, ये वाला मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पर। तो cos²θ की जगह पुट करेंगे 1 - sin²θ, 1 - sin²θ, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, कितना रहेगा यहाँ पर 10θ, ऊपर को नहीं छेड़ेंगे 1 - 2 sin²θ, ये नीचे से ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बनेगा 2 - 2 sin²θ, है ना, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर और इस पर, लास्ट में कितना -1, तो ये बन गया। अब तो देखो ऊपर क्या है 1 - 2 sin²θ, नीचे क्या है 2, देखो 2 तो यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, तो 2 - 1 कितना बच गया 1, इसको इस साइड लिख देता हूँ मैं, 10θ, ऊपर कितना है 1 - 2 sin²θ, ठीक है, और नीचे 2 - 1 कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और जो बच गया पोर्शन ये, इसको हमने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 sin²θ, ठीक है। तो ये इस टाइप का बन गया। अब देखो ऊपर और नीचे सेम टू सेम बन गया, तो ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना अपना 10θ, और वही अपना क्या है RHS। तो इस टाइप से हमने प्रूव किया, ठीक है। वापस रिवाइज कर देता हूँ, ऊपर से साइन कॉमन लेना, नीचे से साइन कॉमन लेना, वो तो बन गया 10, बस इसको रखना है, और इधर ऊपर साइन स्क्वायर बचा और नीचे कोस स्क्वायर बचा, तो या तो कोस को साइन में चेंज कर दो या फिर साइन को कोस में चेंज कर दो। हमने क्या किया, कोस को साइन में चेंज कर दिया, तो पता चला कि ये दोनों सेम बन गए, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, कैंसिल हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से RHS आया। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर, 6th-7th पार्ट हो गया, 8th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट, ये देखिए काफी लेंथी सा एक्सप्रेशन है यहाँ पर, sin A + cosec A का होल स्क्वायर + cos A + sec A का होल स्क्वायर = 7, tan²A + cot², ये हमें लाना है। तो एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें लिखा है sin A + cosec A का होल स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या है यहाँ पर cos A + sec A का होल स्क्वायर = RHS, में जो चीज़ लिखा है RHS में क्या चीज़ लिखा है यहाँ पर, 7 प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट खुलेंगे, उधर से वापस ये इस टाइप के ब्रैकेट नहीं बना पाएंगे। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पर, पहले तो ये लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस इधर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे हम इन दोनों ब्रैकेट को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, टू ए बी ये बन गया। अच्छा, इस पहले वाले ब्रैकेट में क्या ए का काम कौन कर रहा है, साइन ए, और बी का काम कौन कर रहा है, कोसेक ए। तो क्या बनेगा ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस टू ए बी। टू ए बी मतलब टू इंटू साइन इंटू कोसेक, टू इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। फिर प्लस दूसरे वाला ब्रैकेट देखते हैं, दूसरे वाला ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसी आइडेंटिटी से खुलेगा। तो क्या ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, कोस, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, सेक। तो ए स्क्वायर सबसे पहले, ए स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए। फिर बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है, यहाँ पर ये बी का काम कर रहा है, प्लस टू कोस इंटू सेक ना, टू ए बी प्लस टू कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। देखो जो चीज़ जिसके साथ कंबाइंड होती है उसको उसके साथ कंबाइन कर दो। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है। आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बन जाता है। तो इन दोनों को पास में रख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बन गया। उसके बाद ये तो कोई बनता नहीं है इसका, तो इसका तो एक आइडेंटिटी वो भी करेंगे यहाँ पर, इसका भी चलो कर लेते हैं अभी सोल्व। अब देखो आर एच एस में क्या दिख रहा है यहाँ पर, कोट टेन और कोट, ये दो नंबर दिख रहे हैं ना, टेन और कोट। तो कोसेक तो नहीं दिख रहा ना उधर, तो कोसेक को चेंज करना पड़ेगा। अब कोसेक का स्क्वायर है ये किस आइडेंटिटी से चेंज होता है, ये जो आइडेंटिटी नंबर थ्री है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, हम इस कोसेक स्क्वायर का यही करेंगे, कोसेक स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे वन प्लस कोट स्क्वायर। तो इसको चेंज कर दिया हमने, इसकी जगह क्या लिखा, वन प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया, ठीक है, ये इन दोनों को कंबाइंड एक जगह लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया तो इसका भी काम हो गया। फिर प्लस प्लस इसको भी लिख देते हैं ना साथ के साथ, ये टू टू वालों को बाद में देखेंगे, इन इसको भी लिख देते हैं, सेक स्क्वायर है यहाँ पर, हमें लाना क्या है, टेन स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, दूसरी वाली आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों और ये दोनों हमने सबरे सारे निपटा लिए, अब ये बचेगा और ये बचेगा। अब देखो छोटी सी चीज़ है, साइन और कोसेक साथ साथ आ गए, अब पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पता नहीं ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इक्वल टू वन होता है, और उसी टाइप से कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये दोनों तो कट गए, ठीक है, तो यहाँ पर खाली क्या बचा, टू, तो इधर मैं लिख रहा हूँ प्लस का टू, ऐसे ही इधर ये दोनों भी कट गए, इधर कितना बच गया, टू बच गया प्लस का। अब सोल्व करते हैं, ये फिर से कितना बन गया, ये भी वन बन गया, फिर ये वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट से बाहर निकला, फिर ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर यहाँ पर ए आ जाएगा, ए लिखा हुआ थीटा नहीं, टू प्लस टू ये कितना हो गया, फोर। अब सबको कंबाइन कर देते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, चार यहाँ पर है, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, सेवन, प्लस यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ वाला टेन स्क्वायर है, ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया, ठीक है, यही तो हमें लाना था, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है, सेवन प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है आर एच एस के बराबर। तो इसमें हमने किया क्या, मेनली इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर था, बस ओपन कर दिया, ठीक है, फिर जो कंबाइंड, जो जिसके साथ कंबाइंड हो रहा था, जैसे ये हो रहा था तो वो हमने लगा दिया। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा आ गया, जैसे सेक स्क्वायर आ गया, अब सेक स्क्वायर तो इधर दिख ही नहीं रहा,
तो सेक स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, जो जिसमें दिखना चाहता उसके अंदर हमने दिखा दिया सीधा, मतलब आरएचएस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आरएचएस को देखते हुए चल रहे हैं। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।